अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अलमास ब्लॉग। और कैसे हैं आप? देखो अभी मेरी चाय फिनिश हुई है और अभी मैं मार्केट से आई हूँ। और मैं मार्केट गई थी और बताती हूँ मैं यानी मार्केट से क्या क्या लेके आया आपसे शेयर करती हूँ। और आज मैं आपसे बिरयानी शेयर करने वाली हूँ। ओके चलो पहले चाय फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। ओके देखो डियर, मैंने मार्केट से क्या लाई। ये मेरा फाउंडेशन ख़त्म हो गया था तो मैंने देखो ये लॉरियल का अभी न्यू है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया मगर अभी ट्राई कर रही हूँ। लॉरियल का आपको नाम नहीं दिख रहा होगा, देखो देखो ये ट्राई करूँगी कैसा रहता है। मैं फिटमी का ही फाउंडेशन इस्तेमाल करती हूँ मगर वो जिससे मैं लेती उसने बोला लॉरियल बहुत अच्छा है। ओके ये ली फिटमी का कंसीलर ली, हमारे इधर शादी है ना तो ज़रा अच्छा मेकअप के लिए चाहिए, करती है अच्छा मेकअप इतना भी नहीं, फिर भी न्यू लाई हुई सब। ओके और ये है ब्लैक नेल पेंट, ये मेरी फेवरेट नेल पेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्लैक नेल पेंट और मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है रेड, मुझे रेड कलर अच्छा लगता है मगर ब्लैक ज़्यादा अच्छी लगती है। ये लाई और मैं बताती हूँ मैं मार्केट से और क्या कह रही आपको। देखो गाइस ये लाई मैंने झींगे प्राउंस, देख रहे बड़े बड़े, मेरे को ये साइज़ के प्राउंस अच्छे, ये प्लान प्राउंस है, हमारे यहाँ खाड़ी के भी बहुत अच्छे मिलते हैं मगर अभी बड़े खाना है तो प्लान के लेके आती ज़्यादा करके। देखो दिख रहे ना, ये मैंने 450 के पूरे लिए, एक किलो जितने, एक सवा किलो जितने। और ये है हमारा फेवरेट ताड़गोला, एकदम नरम और कौला, मतलब कौला ही अच्छा लगता है, कौला ही लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है कौला। और ये मैंने आधा लीटर छाछ ले ली मसाला छाछ, और ये दही बिरयानी बनाने के लिए, ये मैंने चिकन फ्रिज में से निकाल दी, मैं ना ज़्यादा करके भर के स्टोर करके ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मार्केट जाना होता नहीं है। ये चिकन मैंने ऑलरेडी मंगा चुकी थी पहले से, अभी ये प्रॉन्स भी मैंने ज़्यादा ही ले लिया, अभी दो तीन दिन का बाज़ार हो जाता है, मैं एक साथ दो चार दिन का बाज़ार लेके ही आती हूँ, अच्छा करता मुझे। देखो गाइस मेरी चिकन बिरयानी के लिए मेरे चिकन वॉश करके रेडी है। ओके अभी इसमें मैं मसाले डालूँगी, मसाले में मैं पहले सबसे पहले दही डालूँगी। ओके दही अभी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं बना के घर में ही रख देती हूँ, अच्छा पड़ता है, आधा आधा किलो पीस लो, एक डेढ़ महीने की फुर्सत हो जाती है, फुर्सत हो जाती है। देखो अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, ओके मसाला रेड, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, ये होममेड गरम मसाला, ये भी थोड़ा ऐड करेंगे, और बॉम्बे बिरयानी मसाला, ये बिरयानी की जान होती है, इसको डालो तो बिरयानी टेस्टी बनती है। ओके बॉम्बे बिरयानी मसाला ये डालूँगी थोड़ा, देखो सब मसाले मैंने डाल दिए उसमें। ओके अब इसमें एक मेन मसाला डालने का है, इसमें मैं सब पीस के डालूंगी, जैसे छोटी देखो डियर मैंने ये अदरक मसाले पीस के रखी, मसाले में क्या करता है, एक प्याज, छोटा टमाटर,
कोथमीर और हरी मिर्ची ये पीस के मैंने ये मसाला तैयार की। अब ये मैं बिरयानी के मसाले में ऐड करूँगी। इससे अच्छी ग्रेवी बनती है, ग्रेवी चिटकती नहीं है। आप भी ट्राई करना एक बार। ये मेरा है, मेरा फॉर्मूला है, मगर आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा बनता है। मुझे एकदम मसाला एकदम कम नहीं पड़ेगा, ये डालना चाहिए आपको। जैसे अदरक, मिर्ची, कोथमीर, प्याज और टमाटर पीस के डालिए। ओके, अलग से देखो मेरा मसाला पूरा लग गया है, सब पीस से ला भी डाल के बिरयानी मसाला पूरा अच्छे तरह से लग गया है। मैं कलर नहीं डाली हूँ, बिना कलर का बना रही, फूड कलर का बाद में ऊपर से डाल दूँगी, इसमें नहीं डाल रही। देखो डियर, मेरा बिरिस्ता तो उस दिन मैंने रेडी कर दी थी ना, ज़्यादा ही बनाई थी, तो मेरी बिरयानी फटाफट बनेगी क्योंकि बिरिस्ता रेडी है। बिरयानी में सबसे ज़्यादा बिरिस्ता बनाने में ही टाइम लगता है। देखो गाइस, मेरा राइस बॉईल करने के लिए मैं रख रही हूँ। इसमें मैंने सब गरम मसाले डाले, पत्ता, ये फूल वगैरह सब डाली हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल ज़रा सी डालने का और नमक। इसे मैं बॉईल करने रखूँगा। ओके, देखो गाइस, मेरे मसाला भी थोड़ा सा पुदीना डाली हूँ। अभी मैं इसमें ऑयल डाल के मैं इसे थोड़ा गैस पे भूनूँगी। 5 चम्मच ऑयल, चार चम्मच ही डालती हूँ। ओके, और बिरिस्ता और इधर यहाँ मेरे बटाटे फ्राई हो रहे हैं, इसमें बटाटे भी डाल देंगे। ओके, थोड़ा भूनती हुए तो अंदर से गिरे मसाला भून जाता है ना बिरयानी का, इसके लिए भूनने। मैंने मसाला भुनने भी यहाँ रखी हूँ। अब जैसे मेरे बटाटे फ्राई होंगे इसमें डालूँगी, फिर सब बिछा दूँगी राइस वगैरह। ओके, अब यहाँ मेरा राइस भी बॉयल हो गया, देखो पूरा बॉयल हो गया, ज़रा आँच ही रखिए। ओके, इसमें बटाटे हो गए फ्राई, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ओके, देखो मैंने बटाटे ऐड कर दिए, अभी ये अच्छे से भुने जा रहा है। ठीक, दूध में मैं कलर ऐड कर रही हूँ। देखो गाइस, मेरा मसाला रेडी है, अभी इसमें मैं राइस डालूँगी। ओके, देखो डियर, मेरा चावल डाल दिए मैंने, इसमें मैं कलर ऐड करूँ, फूड कलर। ओके, गार्निश के लिए बिरिस्ता थोड़ा मैंने बचा ली थी। धनिया पाउडर, धनिया फ्रेश लीव्स, धनिया के, और ये है पुदीना। देखो मेरी बिरयानी का लुक। ओके, इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, ज़्यादा है थोड़ा सा, ऊपर से गरम मसाला, खुशबू अच्छी निकली है। देखो मैं स्लो में भी ये दम पे रख रही बिरयानी। ओके, देखो गाइस, मेरा रूम रेडी हो गया है, क्लीन हो गया एकदम नीट एंड टाइडी मेरा बेडरूम। ओके, अभी मैं खाना निकालने जा रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। देखो डियर, मेरी बिरयानी है रेडी एकदम, भी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, तो आप लोग भी आओ बिरयानी खाने के लिए।